हेलो गेमर, स्वागत है सबको आज की फिर से एक न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो में कुछ अलग दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आप में से बहुत सारे लोग GTA 5 वगैरह खेलना चाहते हो बट आपके PC उतना पावरफुल नहीं होता है जिसके वजह से आप वो गेम को नहीं खेल सकते हो। बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आएगा तो मेरे PC में GTA 5 नहीं चलेगा बट मेरे PC में जो मोबाइल का गेम है वो चल सकता है इजीली। तो आप में से बहुत सारे लोग एमुलेटर को यूज़ करते हो। मोबाइल की सबसे बेस्ट GTA 5 की ऑल्टरनेटिव गेम है वो है गैंगस्टर वेगस, एंड गैंगस्टर की बहुत सारे सीरीज है तो आप में से खेल सकते हो। मुझे गैंगस्टर वेगस ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैं गैंगस्टर वेगस को इंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर एमुलेटर में एक प्रॉब्लम आती है कि की मैपिंग में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं की मैपिंग आपको फुल करके दिखाऊंगा एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको दिक्कत आती है तो कॉमेंट करना, उसकी रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो गाइस यहाँ पर जो गैंगस्टर वेगस गेम है वो मैंने स्टार्ट कर लिया है ब्लूस्टेक की एमुलेटर में, एंड यहाँ पर जो गेम कंट्रोलर है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितनी भी सारी वो की मैपिंग कर रखी है एंड इसकी जो फाइल है वो अपलोड कर सकूँ तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, तो इसकी जो फाइल है वो आपको मिल जाएगा। और आप कोई सा भी एमुलेटर यूज़ कर रहे हो उसमें हो सके तो डाउनलोड करके देख लेना वो फाइल सपोर्ट लेता है कि नहीं। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर, तो यहाँ पर गेम कंट्रोलर पर आकर यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, एंड मेरी जितनी भी सारी जो की मैपिंग थी वो दोबारा से करनी होगी, मतलब आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो डी पैड है उसको लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डी पैड को आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। तो डी पैड हमारा हो गया, जिसकी वजह से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आगे पीछे मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी पैड में आगे पीछे मूव होगा, उसके बाद फिर से चलते हैं। यहाँ पर डी पैड की जो काम है वो ख़त्म हो गया, अब बारी है ER प्लान एंड सूट की, जिसके मतलब जिस की मैपिंग में आप जो आपकी माउस की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करोगे। तो यहाँ पर ER प्लान सूट पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर F1 दिखा रहा है, बट मेरे F1 क्लिक करने से चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मिडिल क्लिक पर इसलिए मैंने क्लिक किया कि इस गेम में बहुत बार माउस की एरो की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने फटाफट जिस की से मैं यूज़ कर सकता हूँ उस की से कर लिया। तो आपके हिसाब से आप कर लेना, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर एरो गायब हो चुका है और यहाँ पर W से आगे जा रहा है, आप देख सकते हो तो माउस से पूरी कंट्रोल हो रही है। जब मिडिल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर माउस की जो काम है वो बंद कर देगा। यहाँ पर माउस की जो मूवमेंट है वो तो हमने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर बारी है हमारा जो एयर ट्रिगर की, मतलब सूट वगैरह करने की। तो यहाँ पर टैप सूट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड माउस की जो राइट की है उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर फायर वगैरह हो रही है, तो उसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर सेकंड की है, ये जो रन वाला जो आइकन आप देख रहे हो ये आइकन, इसकी जो दो काम है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जंप की दिखाएगा एंड दूर चले जाओगे तो यहाँ पर रनिंग की। तो यहाँ पर ऐसा की लगाना होगा जिससे दो काम हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्पेस की, तो टैप सूट लेता हूँ, उसके बाद स्पेस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर गार्ड वगैरह लेनी पड़ती है सूट वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर इसकी के लिए मैं यूज़ करूँगा G। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा जो बोम फेंकने वाला, तो बोम के लिए मैं सिंपली V को यूज़ करूँगा। तो आपके हिसाब से आप यूज़ कर लेना, मैं तो बस गाइड कर रहा हूँ आपको इसे करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर जो ओवरऑल जो की मैपिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो ओवरऑल जितनी भी सारी की मैपिंग है हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब बारी आती है कार की। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देना, जो कार की जो सेटिंग है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाता है जब आप कार में बैठते हो। तो यहाँ पर जो डी पैड है वो हमारा काम नहीं होगा, आप देख सकते हो ऊपर नीचे जो कोई भी करो एक ही की यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा की को चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर टैप सूट में जाके तो यहाँ पर जो एरो की है उसको राइट एरो, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट एरो पर क्लिक कर देना, एंड जो डी पैड है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, डी पैड में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, जो स्पेस है
तो ये आगे जाने वाला स्विच है, तो यहाँ पर एरो की को अप की को दे देना। उसके बाद जो राइट क्लिक पर जहाँ पर शूट वगैरह होती है उस पर डाउन एरो को दे देना, ओके। उसके बाद सेव कर देना। तो सेव करने के बाद आप देखते हो, ओके, राइड वगैरह सब हो रही है, आप देख सकते हो थोड़ी सी लैग कर रहा है, ठीक है, इग्नोर कर लेना। ओके गाइस, आप देख सकते हो एरो की से जितनी भी कार की ऑलमोस्ट की मैपिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर दिक्कत आएगी जो एफ वाला बटन है, मतलब जिससे हम कार से एग्जिट होंगे, वो की थोड़ी सी एफ मतलब बहुत से बहुत दूर चली जा रही है एरो की से। तो यहाँ पर की मैपिंग में जाकर एग्जिट होने वाला जो की है, जो साइड में जो जीरो है, नंबर जीरो लिखा आता है, वो की को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे। एंड यहाँ पर जब आप मूव करोगे, ठीक है ना, एफ की को क्यों दिया, जब आप मूव करोगे, मूव करते करते आपको कार में घुसनी होगी जल्दी से, तो इसलिए मैंने एफ पर क्लिक कर लिया, एफ की को मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है ना। एफ की क्लिक करते हैं, यहाँ पर घुस गया। उसके बाद कार की जो कंट्रोल है वो यहाँ पर एरो की में आ जाता है एंड नंबर से एग्जिट भी हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड जो की मैपिंग है वो है गन की। यहाँ पर गन वगैरह चेंज करने के लिए आपको की लगता है, तो इसके लिए मैं जो की दिखा रहा हूँ उस पर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं इस साइड में आर, इस साइड में ई पर क्लिक करूँगा, सेव। यहाँ पर जो की है इसको क्या कहते हैं, इस पर मैं क्यू पर क्लिक करता हूँ, जो मैप देखने के लिए जो की होता है, तो इसके लिए मैं एक्स होता है, ठीक है ना, वो की को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रोल है यहाँ पर आपको एक बार एकदम फुल फाइनल टच आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये है एरो की, इसको मूव करोगे तो आपकी प्लेयर मूव नहीं होगा। आपकी जो मिडिल मतलब स्क्रोल की जो स्विच है उस पर क्लिक करना एंड उसके बाद मूव होगा। तो आगे जाओगे तो डब्ल्यू से एंड साइड में आओगे तो डी से। उसके बाद आप दौड़ना चाहते हो तो स्पेस पर क्लिक करना, तो आप जल्दी से फास्ट रन करोगे। उसके बाद जंप लगाना चाहते हो तो फिर से स्पेस की को क्लिक करना, तो जंप करोगे। कार की जो कंट्रोल है उसको आप दिखा देता हूँ, कार कहाँ चली गई। ओके ठीक है गाइस, अभी कार ढूंढता हूँ, एक मिनट। तो गाइस यहाँ पर हमें कार मिल चुकी है। उसके बाद एप पर क्लिक करोगे जिसके बाद आप कार में बैठ जाओगे। उसके बाद कार की जो कंट्रोल है वो एरो की में आ जाएगा। अप डाउन करोगे जब पीछे जाएगा, अप करोगे तो आगे जाएगा एंड राइट एरो करोगे राइट में जाएगा, लेफ्ट एरो करोगे तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब ब्रेक के लिए डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो डाउन एरो। उसके बाद कार से एग्जिट होना होगा तो जीरो पर क्लिक करना, नंबर पर जो नंबर पर जो जीरो लिखा होता है उस पर क्लिक करना, तो यहाँ पर एग्जिट भी हो जाओगे। यहाँ पर डब्लू की से आप कंट्रोल कर सकते हो, डब्लू एस से। उसके बाद गन वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पर आर ऐसे ई वगैरह से चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्यू से आप जो गेम है गेम की लॉबी से बाहर हो जाओगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो मैप है वो मैप दिख जाएगा आपको। के गाइस, तो आपको ये जो की मैपिंग जो की वीडियो है ये आपको कैसी लगी है, तो एक कमेंट कर देना। वीडियो एक पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। तो इसमें कोई सा भी की मैपिंग मिसिंग है तो कमेंट करना एंड आपके हिसाब से कौन सी गेम की मैपिंग मुझे करनी चाहिए तो उस पर एक कमेंट करना। मैं की मैपिंग की वीडियो मैं ला दूंगा आपके हिसाब से, आप जो गेम बोलोगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।